हेलो दोस्तों, मैं सागर सागर रोबोटिक्स में फिर से एक बार आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो चलिए चलते आज की प्रोजेक्ट की ओर। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले जो बाइक की पुरानी तिल्ली रहती है, स्पोक रहती है, वो ले ली। आप ये किसी भी पुरानी बाइक की शॉप से ले आ सकते हो या फिर 4-5 रुपए का नया भी मिल जाएगा, लेकिन पुराना ही ले आना, वो आपको फ्री मैंने देंगे। तो ये देखो, ये पुराना ही ले आया है मैं, काफ़ी जंग चुका है, ये खुलेगा नहीं यहाँ से। खुल भी सकता है पाने से, लेकिन हम नहीं खोलने वाले, हम इसको इधर से और उधर से काट कर लेंगे। तो कट कर लेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा गंदा दिख रहा है, थोड़ा जंग लग चुका है, तो इसको थोड़ा साफ करके एकदम नए जैसा बना लेते हैं। क्योंकि हम जो कारीगर जो है, हम इस पुराने स्पोक को एकदम नए से भी अच्छा बना देंगे, घिस घिस के आप देखना। तो ये इसके अंदर मैं आपको जो स्क्रू ड्राइवर बना के दिखाने वाला हूँ, वो इतना अच्छा होगा कि जो मार्केट का स्क्रू ड्राइवर है उससे भी ये अच्छा और मजबूत रहने वाला है। और इसको बनाने के लिए आपको सिर्फ ये बाइक की तिल्ली लगने वाली है और कुछ भी नहीं लगने वाला है। तो चलिए इसको मैं आपको पूरी प्रोसेस समझा देता हूँ और पूरा सब कुछ दिखा भी रहा हूँ, तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहो। तो देखो, मैंने इसको घिस लिया है, ये देखो और भी घिस रहा हूँ। इसके ऊपर का जो भी जंग था वो सब निकल चुका है। देखो ये कितना चमक रहा है, जो इतना तो नया जो मार्केट का लाते वो भी नहीं चमकता। उसके बाद इसको ऐसे कपड़े से घिस लेंगे और थोड़ा स्मूथ अच्छे से इसकी जो भी कुछ घिसाई का मटेरियल था उसको निकाल लेते। देखो अब ये कितना चमक रहा है, ये वही स्पोक है, आप देखो पहचान सकते हो कि ये वही पुराना ख़राब स्पोक है। तो देखो अब इसको मैं मार्किंग लगा रहा हूँ, वहाँ से हम इसको कट कर लेंगे। तो देखो इसके जो अंदर वाला पार्ट है इसका हमें काम है, जो बाहर वाला कट कर रहे हैं उसका कोई काम नहीं है। तो मैं इसको शिकंजी के अंदर फिक्स कर लेता हूँ ताकि ये हमें काटने में आसानी होए, और आरी के ब्लेड से इसको जो मार्किंग है वहाँ से कट कर लेता हूँ। तो दोस्तों मैं इसको कट कर लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ, क्योंकि इसको कट करने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन ये कट भी जाएगा इस आरी से, क्योंकि ये लोहा काटने की ये आरी होती है। अगर आपके पास शिकंजी नहीं है तो आप किसी को हाथ में पकड़ाने को भी बोल सकते हो, या फिर जो अपनी कुछ भी लकड़े के ऊपर या किसी के ऊपर भी इसको बांध के ऐसा कट कर लेना है आपको, बाकी कुछ नहीं करना। तो देखो मैंने इसको दोनों भी जो भी कुछ एंड थे उनको कट करके इसका टुकड़ा बना लिया है। देखो ये जो दो एंड थे वो है, इसका हमें कुछ काम नहीं है, ये जो टुकड़ा है इसका ही हमें काम है। तो ये स्पोक आपको पता होगा कितना ज़्यादा मजबूत होता है। तो देखो इसकी जो नोक है इस टेस्टर के जैसी ही हमें बनानी है, ताकि ये आसानी से स्क्रू को खोल भी सके और फिट भी कर सके। तो उसके लिए भी मैं इसको इस शिकंजी के अंदर फिक्स कर लेता हूँ, और उसके बाद हम उसकी प्रोसेस करेंगे, मतलब उसको ऐसे धार निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, तो मैं रेत ले लेता हूँ, अपनी जो भी है फाइल रहती है, जो भी आप बोल सकते हो। तो इसको आपको ऐसे घिस देना है, ये थोड़ा मुश्किल तो जाएगा घिसने में, लेकिन घिस जाता है, आराम से घिस जाता है, थोड़ा देर लग सकता है लेकिन घिस जाता है। तो देखो मैं इसको घिस लेता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ कि कैसे बनानी है आपको। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, और बाजू का बेल आइकन भी दबा दो, ताकि आपको इसी तरीके से और इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलते रहे। तो देखो मैंने इसको एक तरीके से एक तरफ से भी और दूसरा भी पूरा घिस दिया है, जो कि मैं आपको अभी दिखा देता हूँ कैसे घिस दिया है और कैसे लग रहा है ये। तो देखो ये एक साइड से मैंने घिस दिया है और दूसरी साइड से इसको ऐसे पलट देते हैं और फिर से इसको फिक्स कर लेता हूँ, और फिर अब इधर से भी वैसे ही सेम घिस देंगे। तो आपको जो नोक है उसको सेंटर में लाना है, दोनों तरफ से बिल्कुल सेम घिसना है। देखो ये भी मैंने इस तरीके से भी घिस लिया है, अब आपको दिखाता हूँ। देखो ये कितना चमक रहा है, और उसके साथ साथ इसको कितनी ज़्यादा जो अपनी नीचे बीट रहता स्क्रू ड्राइवर का, वैसी धार जो है वो आ चुकी है। तो ये एकदम शार्प हो चुका है और काफ़ी अच्छा बन चुका है, बिल्कुल ओरिजिनल हमारे टेस्टर है स्क्रू ड्राइवर की तरह। तो अब आपको एक कोई भी लकड़ी ले लेनी है, या आपको पुरानी कहीं पर भी, पुरानी मतलब कहीं पर भी पड़ी हुई मिल जाएगी, आप कोई भी लकड़ी ले सकते हो, इसका टुकड़ा कट कर लेना है। अगर लकड़ी नहीं लेना चाहते हो तो पीवीसी पाइप का टुकड़ा भी लगा सकते हो, या आपकी मर्जी है, आप कुछ भी लगाओ। तो मैं इसका इतना टुकड़ा कट कर लेता हूँ, उसको थोड़ा छील लेता हूँ, घिस लेता हूँ, और थोड़ी डिजाइनिंग फिनिशिंग दे देता हूँ। देखो तो मैंने इस टुकड़े को इस तरीके से बना लिया, थोड़ा सैंड पेपर से, रेत से, रेगमाल से, सब कुछ घिस के ऐसा डिजाइन दे दिया, और इसके अंदर एक होल भी कर दिया। अगर आप ये नहीं करना चाहते सब, तो पीवीसी का टुकड़ा या फिर लकड़े का मैंने आपको पहले दिखाया हुआ ऐसा टुकड़ा भी लगा सकते हो, ये आपकी मर्जी है, आप कुछ भी लगाओ वो चल जाएगा, इसमें कोई साइंस नहीं है बड़ी। तो देखो अब मैं इसको बॉन्डटाइट लेता हूँ और इसको मिक्स कर लेता हूँ। बॉन्डटाइट आपको किसी भी शॉप के ऊपर मिल जाएगी, हार्डवेयर या फिर आपके घर में भी पड़ी होगी। अगर आप बॉन्डटाइट नहीं लाना चाहते हो
तो और जटपट नाम से या फेविटाइट नाम से ऐसे कई ट्यूबें मिलती है जो कि 10 रुपए में, 5 रुपए में, 20 रुपए में ऐसे कुछ भी मिल जाती है। आपको ले आना है और थोड़ा थोड़ा मिक्स कर लेना है, जो बचेगा वो आपको अगली बार काम आने वाला है। तो मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लेता हूँ। दोस्तों क्या होता है, आप वीडियो तो देख लेते हो, मुझे पता है कि आपको दिल से वीडियो अच्छे लगते हैं, लेकिन फिर भी आप यार सब्सक्राइब नहीं करते चैनल को, और सब्सक्राइब करते भी तो नोटिफिकेशन आइकन नहीं दबाते। तो आप अगर वीडियो अच्छे लग रहे हो तो नोटिफिकेशन आइकन दबाओ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, उसके साथ साथ अच्छा सा कमेंट भी डालो, कोई प्रॉब्लम है वो भी बताओ, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन आपको लाइक भी कर देना है, ऐसा कुछ कर लेना है। तो देखो मैं इसको मिक्स करने के बाद इसी के ऊपर मैंने लगा दिया और इसके अंदर लगा दिया। अब आपको लकड़ी से इसको ऐसे ठोक लेना है, आपको लोहे की चीज़ से नहीं ठोकना है, वरना जो ऊपर का निकाला हुआ नोकदार जो भी कुछ है वो घिस खराब हो जाएगा और टूट जाएगा। तो उसके लिए आपको लकड़ी से घिस के, तो देखो ये पूरा अच्छे से हो चुका है, और वैसे तो ये जो स्पोक है ना वो जल्दी घिसता नहीं है और ख़राब भी नहीं होता है, तो जिससे कि आप इससे काफ़ी मजबूत जो स्क्रू है उसको भी खोल सकते हो या काफ़ी मजबूती से टाइट कर सकते हो। आपको पता होगा कि स्पोक कितना ज़्यादा वजन उठा सकता है, तो ये जो ट्यूब है इसके ऊपर लगाई हुई, इसका पर्पज़ होता है कि अगर आप इसको यूज़ करते समय हाथ लगा देते हो तो शॉक नहीं लगना चाहिए। अभी आप इसको ऐसा अगर इस्तेमाल करोगे तो शॉक लग सकता है, तो उसके लिए इसके ऊपर आप हीट श्रिंक ट्यूब या फिर ये फाइबर स्लीव या फिर कोई जो अपनी नली रहती है हार्डवेयर शॉप पे मिलने वाली वो, या फिर अपनी आईवी सेट की सलाइन की नली, या फिर ऐसी जो वॉल शीट आती है वो, इसमें से कोई भी जो भी आपके कुछ अवेलेबल हो वो लगा सकते हो। और कुछ भी नहीं है अवेलेबल आपके पास तो आप सिंपली जो अपना इलेक्ट्रिक टेप आता है वो भी लगा सकते हो, जिससे कि आपको शॉक ना लगे। अगर आपको शॉक मतलब इलेक्ट्रिक का काम नहीं करना है चालू के अंदर तो आपको इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको लगाने के बाद भी सजेस्ट करूंगा कि आप चालू के अंदर काम मत करना, क्योंकि सेफ्टी रखना काफ़ी ज़रूरी है। तो मैं अभी आपको इसकी थोड़ी बहुत टेस्टिंग दिखा देता हूँ। समझो इसकी वायर टूट चुकी है तो आपको ये खोलने के, तो आप तो काफ़ी बड़े इंजीनियर हो, आपके पास स्क्रू ड्राइवर नहीं है लेकिन आपके पास बुद्धि काफ़ी ज़्यादा है, तो आप चमचा ले आओगे और इसको ऐसे खोल दोगे। देखो तो भाई हमको स्क्रू ड्राइवर की तो ज़रूरत पड़ी ही नहीं इसके लिए, इसको खोलने में भी नहीं पड़ी और टाइट करने में भी नहीं पड़ी। लेकिन मैं आपको आगे बताता हूँ कि आपको स्क्रू ड्राइवर की ज़रूरत कब पड़ती है। देखो आप महान वैज्ञानिक इंजीनियर और काफ़ी बुद्धिमान हो तो आपको स्क्रू ड्राइवर की ज़रूरत नहीं पड़ी इसके लिए, अच्छी बात है, इंडियन जुगाड़ है, ये करना ही चाहिए, ऐसा जब इन टाइम पे हमारी कभी फंस जाती है तो ऐसा कर लेना चाहिए। तो देखो मैंने इसको फिट कर दिया है, लेकिन आपको कभी ऐसी प्रॉब्लम ना आए इसके लिए आप ऐसा स्क्रू ड्राइवर बना के रख सकते हो। समझो आपके पास ऐसी पिन है तो अब ये चमचे से तो नहीं खुलने वाली, अब हमारा जुगाड़ फेल हो जाएगा, ये वर्क नहीं करेगा। तो अब आप क्या करोगे, तो इसके लिए आप ऐसा स्क्रू ड्राइवर बना के रख सकते हो घर में, जो पुरानी तिल्ली है उससे ही तो बन जाता है। तो देखो आप इससे आसानी से खोल सकते हो, फिट कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, और इसकी जो धार है वो जल्दी जाने ही वाली नहीं है, और ये कभी अगर आप इसको ठोकते भी हो किसी चीज़ के ऊपर रख के तो ये बेंड नहीं होने वाला या टूटने वाला नहीं है, क्योंकि आपको पता होगा जो बाइक की स्पोक रहती है वो कितना वजन उठा लेती है, बाइक का भी वजन, और हम 2, 3, 4 कितने भी लोग बैठ जाते हैं उसके ऊपर, लेकिन फिर भी स्पोक तिल्ली जो भी रहती है वो ख़राब नहीं होती। तो देखो ये है बोर्ड, अभी भी हमारा जो जुगाड़ है वो काम नहीं करने वाला। समझो ये चमचा से हम इसको खोलना चाहते हैं, ये प्लग जल गया है, कुछ हो चुका है, तो फिर अब आप इस स्क्रू ड्राइवर का इस्तेमाल कर सकते हो, ये काफ़ी आसानी से इन सभी नट्स को खोल देगा और उसके साथ साथ फिट भी कर देगा। तो ये काफ़ी अच्छा सा स्क्रू ड्राइवर है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको बना लेना चाहिए, ये फ्री में, या फिर अगर आप स्पोक बिकत भी लाते हो तो 2 रुपये का 4 रुपये का बन जाएगा, इतने सस्ते में तो आपको मार्केट में स्क्रू ड्राइवर कहीं पर भी नहीं मिलने वाला। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लग रहा है मुझे कमेंट में एक बार ज़रूर बताना, अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, कुछ भी लग रहा हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट में बताना, और वीडियो को लाइक तो कर ही देना, और चैनल पे पहली बार हो तो बाकी जो चैनल की वीडियोस है मेरे वो भी देख लेना, 100 से ज़्यादा वीडियोज़ है, और काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के ऊपर और काफ़ी सस्ते में बनने वाली चीज़ों के ऊपर है, तो आप एक बार जाके ज़रूर देख लेना। तो मैं इसको खोल लेता हूँ, देखो ये काफ़ी आसानी से खुल गए, काफ़ी लंबे नट्टे इसलिए थोड़ा टाइम लग गया, तो ये आप को ऐसे खोल भी सकते हो, लगा भी सकते हो। आपको अब मैं स्क्रू ड्राइवर का क्या काम बताऊँ, सभी को पता है, सबको इसका यूज़ तो करना आता ही है। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप ये स्क्रू ड्राइवर कैसा लगा वो भी कमेंट में बताना, और लाइक भी कर देना वीडियो को, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके